and something. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़िम्मान में रखे। तो आज मैं आप लोगों को बर्ड्स के बारे में बताऊंगा कि बर्ड्स कहाँ कहाँ पर रहते हैं, ये बर्ड्स कहाँ कहाँ पर रहते हैं और ये इनकी खूबी क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और अगर इससे पर अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये देखिए, हमारे ये परिंदे हैं काफ़ी ज़्यादा, और इनमें से ये काफ़ी परिंदों के बारे में मैं आप लोगों को कुछ पता भी होएगा, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे भी परिंदे दिखाऊंगा जिनके बारे में आपको भी नहीं पता होएगा। तो जैसे ये एक है वुड पैकर, जिसके बारे में थोड़ा कम ही लोगों को पता होता, लेकिन इसकी इंग्लिश काफ़ी लोगों को पता होता है, लेकिन जो इसकी इसकी उर्दू है वो कम ही लोगों को पता होता है। जैसे ये है कट फोड़ा, इसकी ये मीनिंग है। तो ये वुड पैकर करता क्या है, ये वुड पैकर ये जो ट्रीज होते हैं इनके अंदर छेद करके अपना घर बनाता है, और जो इसकी ये जो चूँच होती है, चूँच इसकी बहुत ही मजबूत और थोड़ी लंबी होती है, जिससे ये अपनी ये चूँच है और ये ऐसे ऐसे करके छेद करता है ट्रीज में। और आगे ये है कनेरी, ये इसके बारे में भी कम ही लोगों को पता होगा। ये कनेरी ये चिड़िया की तरह ही होती है, जैसे ये चिड़िया तो आम चूँ चूँ करती है, और लेकिन ये जो कनेरी है ये गाना गाने वाली चिड़िया है। जैसे ये गीत गाती है कोई, जैसे कोयल भी कभी गीत गाती है ऐसे। ये है पीकॉक यानी मोर। मोर अगर हम लोग जू में जाएं तो हमें पिंजरे में ये मोर नजर आ रहा होता है, और इसके ये पर जब फैलाता है तो फिर ये काफ़ी प्यारा लगता है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल खूबसूरत सा लगता है। तो फिर ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर ये एक इसके काफ़ी ज़्यादा कलर्स हैं, जैसे ये इसका ये कलर है ग्रीन, और इसके कलर वाइट है, ग्रे है, इस तरह इसके काफ़ी ज़्यादा कलर्स हैं। कोई मोर ब्लू कलर्स के भी होते हैं, यानी कि ये वाला जो इससे ये ब्लू होता है। और ये है ईगल, ओकाब ईगल ये परिंदों का एक राजा ही है। और ये है बुलबुल ये बुलबुल काफ़ी खूबसूरत जानवर है, और इसके बारे में कहानी भी बनी हुई है एक। और ये है ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, ये ऑस्ट्रिच के काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फार्म भी बनाए हुए हैं, और ये मुर्गे की तरह ही होता है, जैसे ये आम मुर्गा है। तो ये आम मुर्गे की बदले ये काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, और इसकी अगर बात करें तो फिर ये इसकी टांगें भी काफ़ी लंबी हैं, और इसके ये जो गर्दन है ये भी काफ़ी लंबी है, और इसके अंडे बहुत बड़े होते हैं, तकरीबन इससे इतने बड़े, ये जो आम अंडे होते हैं वो इतने से होते हैं, लेकिन ये अंडा इतना होता है, और ये इतना बड़ा अंडा होता है कि अगर 10 लोग भूखे हों तो फिर उनके तो उन अगर ये लोग खाएं अगर वो अंडा खा लें इसका ऑमलेट बना के खाएं तो उनका पेट भर जाएगा। और ये है वल्चर गद, ये जो मुर्दा परिंदे होते हैं ये उनको खाता है। तो ये अगर ये जो गंदगी फैलती है, जानवरों की बदबू फैलती है, तो ये उनको खाता है, और अगर ये ना होते तो इस अर्थ पे ये अर्थ गंदगी से भरी आती। और आगे ये है डव फाख्ता, तब ये काफ़ी खूबसूरत जानवर है। और आगे ये है टर्की बहुत ही ब्यूटीफुल जानवर है, और मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था सफारी जू में, और ये काफ़ी अच्छा था, ये काफ़ी ब्यूटीफुल था, ये काफ़ी खूबसूरत था। और आगे ये है पैरट तोता, ये आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा होगा कि ये ग्रीन कलर का होता है, ये बोलता भी है, कोई पैरट्स बोलता भी है, लोग इसको तलावत खाते हैं, जो भी इसको जो सिखाते हैं ये उसको फिर रिपीट करके फिर ये भी बहुत ही प्यारा बोलता है। कई लोगों ने इसे तलावत सिखाई होती है, ये सूरतुल फातिहा सूरह इख़लास, फिर जब ये इसे पढ़ता है तो फिर बहुत ही अच्छे अंदाज में इसे पढ़ता है। और आगे ये है पैरकिट, ये भी तोते की तरह
एक ही होता है लेकिन ये तोते से काफी मुख्तलिफ होता है। लेकिन है तो ये तोते की तरह लेकिन ये उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। जैसे ये है, इसके कलर्स काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन जो आम तोता होता है वो सिर्फ ये उसका ग्रीन कलर होता है, उसका सिर्फ एक ही कलर होता है। लेकिन अगर आप लोग इस तस्वीर में इसके कलर देखें तो फिर इसके काफी तीन चार इसके कलर है। जैसे इसके कलर है ग्रीन, ब्लू और ये येलो, इस तरफ पे यहाँ पे ऑरेंज है। और इसकी जो आईज है वो भी काफी ऐसे छोटी सी हैं। और ये है आगे, ये है क्रो यानी कव्वा। कव्वा आम आम जानवर है जो शहरों में मिलता है, गांवों में भी होता है, यानी हर हर जगह पे होता है। और ये अगर पहाड़ी कव्वों की बात करें तो पहाड़ी कव्वे ग्रे ग्रे कलर के होते हैं और वो पहाड़ों में रहते हैं। और आगे ये है पिजन, कबूतर। कबूतर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपने घर में पाल के रखे होते हैं। और ये पिजन अल्लाह की इबादत करता है। और आगे ये है डक। डक अगर आप लोग तालाब के अंदर, नहर वगैरह के अंदर अगर आप लोग हैं तो आपको ये बतख बख तैरती हुई नजर आएगी। और ये है बतख डक। और ये है कुक मुर्ग। मुर्ग ये फजर की वक्त अजान देता है कि मुसलमानों को ये अजान देता है कि ये फजर अजान हो चुकी है, तो आप लोग उठिए और अल्लाह की इबादत कीजिए। और ये है आगे ये है बैट चमगादड़, जो रात को होता है और ये दरख्त के ऊपर ये उल्टा होके लटकता है। और आगे ये है आऊ उल्लू, ये रात को होता है और ये रात को जागता है और दिन को सोता है। और दिन को इसका कलर वाइट ग्रे कलर हो जाता है और रात को इसका कलर ब्राउन ब्लैक इस तरह के कलर्स में हो जाता है। और आगे ये है पेंगुइन, ये बर्फीले इलाकों में होता है और ये काफी ऐसे गैंग बना के चलता है। तो आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज के नए काफी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना नारा लगाते हैं, मुझे दुनिया के बच्चों को पढ़ाना है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। पाकिस्तान जिंदाबाद।